क्लास 10 के हिस्ट्री के पर पिछले चैप्टर पिछले क्लास में बताए थे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, उसी के हम उसी चैप्टर को पढ़ाते समय बताए थे कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के आइडिया के इसमें ये बताए थे कि गांधी जी ऐसा समझते थे कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ वो इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से ही एस्टैब्लिश हुआ है, इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से ही ये चल रहा है और आगे भी यदि ये चलता है तो इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से ही चलेगा। गांधी जी का विचार था कि यदि हमें स्वराज प्राप्त करना है तो इस कोऑपरेशन को बंद करना पड़ेगा। यदि इंडियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में चल नहीं पाएगी, उसका अंत हो जाएगा। ये भी पिछले क्लास में बताए थे कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत यह बात दो मुख्य बातें थी कि जितने भी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल दिया है फर्स्ट फेज में उसको सरेंडर करना, स्कूल कॉलेज कोर्ट गवर्नमेंट जॉब आर्मी इस सब को बाइकॉट करना था पहला फेज, और यदि गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर अपनाती है अत्याचार की नीति अपनाती है तो एक सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट उसके प्रोटेस्ट में चलाना। ये भी बताए थे कि किस तरह कांग्रेस के भीतर दो वर्ग बन गए थे, दो ग्रुप बन गए थे, जो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे एक उसका अपोज कर रहे थे। लेकिन 1920 के नागपुर कांग्रेस के एनुअल सेशन में दोनों ग्रुप के बीच कंप्रोमाइज हुआ और उसके बाद यह फैसला किया गया कि 1921 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए। आज इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताएंगे जो 1921 के जनवरी महीने में शुरू हुई और सोसाइटी के इंडियन सोसाइटी के वेरियस सेक्शन के लोग ये वेरियस क्लास के लोग इसमें जो है सो पार्टिसिपेट किए, लेकिन अपना अपना सबका स्वराज के बारे में अपना अपना परसेप्शन था, एस्पिरेशन था, अपने विशेष थे, उनके सब स्वराज का अलग अलग मतलब लगा करके इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये मुख्य रूप से शहर और देहात दोनों एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, तो शहरों में किस प्रकार से चला। शहर में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने वाले जो लोग थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, ये ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इसे। जब यह मूवमेंट शुरू हुआ तो स्टूडेंट टीचर ये सब स्कूल कॉलेज का बाइकॉट किए, लॉयर जो है सो कोर्ट का बाइकॉट किए, इसी तरह जो बिजनेसमैन सब थे वे सब जो है सो फॉरेन गुड्स का बाइकॉट किए, फॉरेन गुड्स के ट्रेड करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जो ऐसे लोग ऐसे मनी लेंडर जो फिनांस करते थे ट्रेडर को मर्चेंट को फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने में, ऐसे जो मनी लेंडर सब जो है सो फिनांस करना बंद कर दिए। इसका बड़ा उसके बाद लोग जो है सो बड़ी संख्या में जो फॉरेन ब्लॉक थे उसको जो है वो जमा करते थे चौक चौराहों पर, उसमें आग लगा देते थे, बोन फायर करते थे, जो लिक्वर शॉप था शराब की दुकान थी उसको पिकेटिंग की जाती थी, घेराबंदी की जाती थी, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया जाता था। तो ये शहर में इस तरह से ये चला और इसका प्रभाव भी देखने को मिला कि 1920-21 के बीच जो फॉरेन क्लॉथ्स था उसका इम्पोर्ट जो है जो आधा हो गया और इसकी कीमत जो 1921 के जनवरी से पहले 102 करोड़ के फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट होते थे, 1921-22 के पीरियड में जब यह मूवमेंट चल रहा था तो जितना फॉरेन क्लॉथ्स इम्पोर्ट किया जाता था उसकी कीमत 57 करोड़ के लगभग रह गया। लेकिन धीरे धीरे शहर में यह मूवमेंट धीमा पड़ने लगा, स्लो होने लगा और इसका कारण यह था कि खादी का कपड़ा बड़ा महंगा था, एक्सपेंसिव था,
जो कॉमन पीपल थे, जो गरीब तबके के लोग थे, वे इतने इतने महंगे जो है वो खादी के कपड़े नहीं खरीद सकते। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड से नील प्रोड्यूस्ड जो क्लॉथ था, टेक्सटाइल क्लॉथ था, वह चीपर पड़ता था, सस्ता पड़ता था, गरीब लोगों के लिए वह खरीदना आसान था, इसलिए ज्यादा समय तक ये गरीब लोग जो है वो खादी का कपड़ा पहन करके खरीद करके पहन नहीं सकते, इसीलिए उनको लौटना पड़ा। फिर उसी ब्रिटेन से मंगाए गए, इम्पोर्ट किए गए नील में कारखानों में बने हुए कपड़ों की तरफ वही वो बाजार से खरीदना शुरू करते। तो इस तरह फॉरेन गुड्स का, क्लॉथ का, बाइकॉट का जो पॉलिसी अपनाया गया वह चल नहीं पाया। दूसरी समस्या थी जो स्कूल कॉलेज के जो टीचर जो स्टूडेंट बाइकॉट किए थे, तो उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए, ऑप्शन चाहिए। उसके बदले में जरूरी था कि नेशनल स्कूल कॉलेज सबकी स्थापना की जाए, जहां बच्चे जाकर के पढ़ सके, टीचर जाकर के पढ़ा सके। लेकिन ऐसे जो नेशनल स्कूल कॉलेज खोलने की प्रोसेस था वह बड़ा इश्यू था। जितनी आवश्यकता थी जितने स्कूल कॉलेज की, उतने स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए। तो नतीजा यह हुआ कि स्टूडेंट कितने दिनों तक जो है स्कूल कॉलेज से अलग थलग रहते, वंचित रहते, पढ़ाई से दूर रहते। और इसका नतीजा यह निकला कि वे लोग फिर से उसी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जिसका बाइकॉट किए थे, फिर से जाकर के ज्वाइन करने लगे। लॉयल सब फिर कोर्ट में जाकर के जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और इस तरह यह मूवमेंट शहर में जो है वो अपना प्रभाव खोने लगा। 1921 के लास्ट तक आते आते इसका प्रभाव जो है बहुत सीमित रहे। अगली क्लास में बताएंगे कि रूरल एरिया में किस तरह से जो यह मूवमेंट चला, वहाँ के लोग इसको किस रूप में लिए, किस तरह वहाँ यह मूवमेंट में भाग लिए, वहाँ के इसके बारे में बताएंगे।